आज अपन बिजी के अंदर बात करेंगे कि यदि अपन एमआरपी वाइज भी स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। इसको अपन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, एक आइटम है हार्डवेयर आइटम, इसकी परचेज डेट है 1 दिसंबर 2024। इसकी क्वांटिटी अपन ने खरीदी 20, परचेज प्राइस की बिल में लगकर आई ₹50 पर पीस और उसकी एमआरपी आई ₹100 जो अपन ने सेट कर दी वापिस, और उसकी सेलिंग प्राइस भी अपन ने सेट कर दी ₹90। तो सबसे पहले तो क्या अपने उस फीचर को ऑन करना है एमआरपी वाले को। तो उससे क्या होगा, जब आप परचेज करेंगे तभी आप उसकी एमआरपी सेट कर देंगे और उसकी सेलिंग प्राइस आप सेट कर देंगे। फिर आप इस आइटम को सेल करेंगे तो आप एमआरपी वाइज और सेल प्राइस जो आपने लगाया है उस हिसाब से आप सेल कर पाएंगे। अब दूसरी बात, सेम आइटम अपन ने क्या करा, 5 दिसंबर को वापस खरीद लिया उसकी इसी सेम आइटम की। देखिए, हार्डवेयर आइटम सेम आइटम, जब 5 दिसंबर को अपन ने इसको परचेस किया तो 40 पीस अपन ने परचेस किए। अब क्या हुआ, पहले जब खरीदा था इस आइटम को तो ₹50 पर पीस था, अब जिससे अपन ने खरीदा तो रेटें बढ़ गई तो अब ₹60 पर पीस अपने को पड़ा, यानी परचेस कॉस्ट पहले ₹50 थी, अब ₹60 हो गई। तो फिर अपन को उसकी एमआरपी भी अपने को चेंज मिलेगी। तो आपने क्या करा, इस 60 की एमआरपी डाल दी परचेज बिल में ₹110 और सेल प्राइस डाल दी ₹100। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि एक ही आइटम अपन ने दो बार परचेज करा है और उनकी अगर परचेज प्राइस अलग है तो उनकी एमआरपी भी अलग होगी, तो वो कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे सेलिंग के टाइम कि अपन कौन सा स्टॉक आउट कर रहे हैं, कितनी एमआरपी वाला कौन सा स्टॉक पड़ा है। इस सारी चीजों को अपन आज प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएं, कॉन्फ़िगर पर आप जाएं, फीचर्स ऑप्शंस में आप जाएं, इन्वेंटरी में आप जाएं। यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शंस मिलेगा एमआरपी वाइज डिटेल का, इस ऑप्शन को आपको सिंपली टिक करना है। और या फिर आप क्या करें, कॉन्फ़िगर पर भी जाकर आप कर सकते हैं। तो उसमें ये ऑप्शंस मिलेगा, मेंटेन सेल प्राइस अलॉन्ग विथ एमआरपी, जो भी मैं बात कर रहा था वही ऑप्शन आ गया। इस ऑप्शन को ऑन करने से क्या होगा, जब आप कोई आइटम परचेज करेंगे तो वहीं पर ही आप उसकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस डिसाइड कर देंगे। जैसे जैसे आप परचेज करते जाएंगे जो जो उनकी एमआरपी होगी वो आप सेट कर देंगे। फिर जब आप सेल करेंगे तो बिजी आपसे पूछ लेगा कि कौन सी एमआरपी का आप स्टॉक आउट कर रहे हैं। बेसिकली ये ऑप्शन ये वर्क करता है। तो अभी अपन क्या करते हैं, मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विथ एमआरपी को अपन ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, हार्डवेयर आइटम मैंने ऑलरेडी बना रखा है आइटम। अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं और 1 दिसंबर की डेट में एक बिल पास कर लेते हैं। एक बिल नंबर मैं ले लेता हूं। अब यहां पर अपन लोकली ले लेंगे और पार्टी का नाम मैं डाल देता हूं सिंपल, रमन हार्डवेयर, जिनसे अपन ने हार्डवेयर परचेज करे हैं 1 दिसंबर को। अब देखिए, जैसे अपन ने यहाँ पर एंटर करने जाया तो यहाँ पर इसने ऑप्शन आने लग गया एमआरपी का भी और सेलिंग प्राइस का भी। अभी अपन ने ऑप्शन ऑन किया था, उस ऑप्शन को ऑन करने से यहाँ पर ये ऑप्शंस आने लग गए। तो अब जो भी अपने बिल में एमआरपी होगी वो अपन डाल देंगे, सेलिंग प्राइस भी अपन डिसाइड कर देंगे। तो वो अपन अपनी एक्सेल जो अभी अपन ने बनाई थी उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, 20 पीस खरीदे अपन ने ₹50 की रेट से और एमआरपी ₹100, सेलिंग प्राइस है सिंपल ₹90। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस आइटम की एमआरपी डाल देंगे ₹100, सेलिंग प्राइस आप डाल देंगे ₹90। 20 पीस आपने खरीदे और ₹50 से, ये तो सिंपल आपने स्टॉक अपना एंटर कर लिया। 1 तारीख को हार्डवेयर परचेज करे 20 पीस, उनकी आपने एमआरपी बता दी कि भाई ₹100 एमआरपी है जो बिल में आई होगी, सेलिंग प्राइस भी लगा दी अपन ने ₹90 और खरीदा हुई ₹50। तो ये तो इस फर्स्ट बार अपन ने आइटम खरीदा तो इसकी रेट डिसाइड कर दी। अब जब इसको दूसरी बार अपन परचेज करेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी जो परचेज प्राइस है वो बड़ी हुई अपने को मिलेगी, तो अपन एमआरपी बढ़ा देंगे। फिर जब अपन सेल करेंगे तो बीजी अपने से पूछ लेगा कि कौन सी वाली एमआरपी के स्टॉक को आप आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इस बिल को एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार स्टॉक इसका चेक कर लेते हैं। तो बिजी के अंदर अपन एमआरपी वाइज स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया और मैं डिस्प्ले पर जाऊंगा। डिस्प्ले पर जाने के बाद मेरे को देखिए यहां पर एक ऑप्शन नजर आ गया एमआरपी वाइज रिपोर्ट का।
मैं एमआरपी वाइज रिपोर्ट में जाऊंगा, एमआरपी के क्लोजिंग स्टॉक देख लूंगा, बैलेंस ओनली पर ही अपन क्लिक कर लेते हैं। सिलेक्ट आइटम मास्टर रेंज, अपन यहाँ पर सारे आइटम्स देखना चाहते हैं तो अपन ऑल कर देंगे, और उसके बाद कहाँ तक का देखना चाहते हैं, मैंने कहा जी 5 दिसंबर तक का बता दो एमआरपी वाइज स्टॉक स्टेटस। तो ये देखिए, ये तो पहले कोई आइटम मैंने बना रखा होगा उसका। यहाँ पर ये देखिए हार्डवेयर के 20 पीस हैं, इनकी एमआरपी जो है 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस 90 रुपये है, यानी 100 रुपये एमआरपी वाले जो हार्डवेयर है वो 20 पीस पड़े हैं जिनकी सेलिंग कॉस्ट 90 रुपये है। अब अपन 5 दिसंबर की सेम बिल की सेम आइटम की वापस एंट्री करते हैं। तो ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, परचेज पर जाते हैं और 5 दिसंबर की डेट में वापस एक बिल ऐड करते हैं। अब की अपन बिल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने एक बिल नंबर ले लिया 800302, लोकल ये सेम पार्टी है रमन हार्डवेयर। अब की बार अपन ने क्या करा, रमन हार्डवेयर से 5 दिसंबर को जो हार्डवेयर परचेज करे उनकी एमआरपी बढ़ गई, क्योंकि इसकी परचेज प्राइस भी बढ़ गई। पहले जब अपन ने हार्डवेयर खरीदे थे तो 50 रुपये की खरीदे थे तो उनकी एमआरपी थी 100 रुपये। अब क्या हुआ, ये हार्डवेयर की जो परचेज प्राइस है वो हो गई 60 रुपये, तो इनकी एमआरपी हो गई बढ़ गई 110 रुपये और सेलिंग प्राइस अब की हो गई 100 रुपये, जो पहले थी 90 रुपये। और अब की आइटम अपन ने परचेज करे हार्डवेयर 60 पीस और ये परचेज प्राइस हो गई 60 रुपये। देखिए रमन हार्डवेयर से अपन ने पहले 1 दिसंबर को हार्डवेयर परचेज करे थे 20 पीस, तो जब उनकी परचेज प्राइस थी 50 रुपये तो एमआरपी थी 100 रुपये और सेलिंग प्राइस थी 90 रुपये। अब सेकेंड टाइम अपन ने सेम आइटम रमन हार्डवेयर से 5 दिसंबर को परचेज करा, तो इस बार क्या वो परचेज प्राइस 50 की जगह 60 हो गई, तो एमआरपी भी बढ़ गई 110 रुपये और सेलिंग प्राइस हो गई 100 रुपये। तो यानी एक ही आइटम की जो एमआरपी है वो 2 है और एक ही आइटम की जो सेलिंग प्राइस है वो भी 2 है। तो इस ऑप्शंस को ऑन करने का फायदा क्या हुआ, जब अपन सेल करेंगे तो बिजी अपने को बता देगा कि कौन सी एमआरपी का स्टॉक आप आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन यहां पर CGST SGST लगाकर ये बिल की एंट्री भी अपन पास कर लेते हैं और वापस अपन एमआरपी वाइज अपना स्टॉक चेक करते हैं। ये मैं डिस्प्ले पर जाता हूँ, डिस्प्ले पर जाने के बाद अपन वापस एमआरपी वाइज रिपोर्ट्स में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक पर जाएंगे, सेलेक्ट आइटम मास्टर रेंज ले लेंगे, आपकी डेट अपन 10 दिसंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हार्डवेयर वाले 2 एमआरपी है इनकी, एक हार्डवेयर जो 20 पीस खरीदे उनकी एमआरपी अलग है और एक हार्डवेयर जब आपने 60 खरीदे सेम आइटम हार्डवेयर जब आपने वापस खरीदे 60 पीस तो अब उनकी एमआरपी है 110 रुपये और सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। तो अब जब आप स्टॉक आउट करेंगे तो एक सेल की एंट्री भी मैं आपको पास करके बता देता हूँ। जैसे मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ और एक डेट ले लेते हैं 15 दिसंबर, एक बिल नंबर ले लेते हैं 805, यहाँ पर लोकली अपन रख देंगे, एक कोई पार्टी ले लेते हैं जिनको अपन ने ये हार्डवेयर सेल करे। अब देखिए जैसे ही मैं हार्डवेयर यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर दोनों के बता दिया कि आप कौन सा स्टॉक आउट कर रहे हैं, 100 रुपये एमआरपी वाला हार्डवेयर या 110 रुपये एमआरपी वाला हार्डवेयर जिनकी सेलिंग प्राइस 90 100 है। तो ये एक फायदा है इस ऑप्शंस का। तो सबसे पहले जो अपन ने पहले खरीदा उसी को अपन आउट करेंगे, तो यहाँ पर अपन ने बता दिया कि जो 100 रुपये एमआरपी वाला है जो फर्स्ट है उसी को अपन आउट कर रहे हैं। जैसे इनको 10 बेचे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रेट आएगी वो आएगी सेलिंग प्राइस वाली 90 रुपये। यहाँ पर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी अपन इसकी सेलिंग प्राइस यही रहने देते हैं और इसको अपन सेव कर लेते हैं। इस तरीके से ये बन गया। अब जैसे आपका ये स्टॉक है, अभी जैसे यहाँ पर कितने पीस पड़े हुए हैं, 100 रुपये एमआरपी वाले 20 पीस पड़े हुए हैं, तो जैसे ये 20 पीस आप आउट कर देंगे तो फिर एक ही स्टॉक बचेगा, वो बचेगा 60 क्वांटिटी वाला। तो ये हो गया, इसको अपन सेव कर लेते हैं और वापस अपन अपना स्टॉक चेक करते हैं। ये मैं डिस्प्ले पर गया, एमआरपी वाइज रिपोर्ट्स पर गया, डेट डाल दी 31 दिसंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो हार्डवेयर 100 रुपये वाले हैं वो 10 पीस पड़े हुए और 110 रुपये वाले जो हैं वो तो 60 पीस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 पीस खरीदे थे, 10 आउट हो गए, ये भी बता रहा है आपको, और 10 बच गए।
एक बार और एंट्री अपन पास कर लेते हैं, मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ और एक एंट्री अपन अब पास कर लेते हैं 25 दिसंबर को, एक बिल नंबर ले लेते हैं। अब की जो बिल नंबर अपन लेंगे वो लेंगे 008 लोकली, जैसे मैंने एक पार्टी ले ली मिस्टर बी, इनको अपन ने अब हार्डवेयर सेल करे। तो देखिए अब जो 100 रुपये MRP वाले हैं वो 10 पीस रह गए, 10 पीस अपन ने आउट कर दिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन ने पहले खरीदा अपन उसी को ही सेल करेंगे, और यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 है उसको अपन ने पहले खरीदा है तो अपन इसकी 10 क्वांटिटी अवेलेबल है, इसी को अपन सेल करेंगे। ये कर दिया, जैसे आप इसको टाइप करेंगे, अब आप हार्डवेयर लिखेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये MRP के 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये दो बिल में अपन बेच चुके हैं 100 रुपये MRP वाले, और अब जो अपन सेल करेंगे वो करेंगे 110 रुपये वाली MRP वाले। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस वर्क करता है। इस ऑप्शंस का फ़ायदा ये है कि जब आपने कोई एक आइटम को परचेज करा तो उसके आपने एक MRP सेट कर दी, नेक्स्ट टाइम वापस आपने सेम आइटम परचेज करा और उसकी रेट अगर परचेज की बड़ी हुई है तो आपने उस हिसाब से MRP सेट कर दी। फिर जब आप सेलिंग करेंगे तो आपको ये सुविधा पहले से ही बिजी बता देगा कि इस MRP का इतना स्टॉक अवेलेबल है और इस MRP का इतना स्टॉक अवेलेबल है, तो कौन सा आपको आउट करना है। तो यहाँ पर अपन CGST SGST लगाकर इस बिल को अपन पास कर लेते हैं, और ये मैंने CGST SGST लगाया, बिल बन गया 1062 रुपये का। अब अपन एक बार वापस स्टॉक देखेंगे तो अपने को सिर्फ एक ही स्टॉक बताएगा, ये मैं डिस्प्ले पर गया, MRP क्लोजिंग में गया, बैलेंसेस ओनली में गया और 31 दिसंबर डेट डाल दी। यहाँ पर देखिए अब हार्डवेयर सिर्फ, इसमें और भी आप डीप में जाना चाहें तो आप हार्डवेयर में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हार्डवेयर अब जो अवेलेबल है वो सिर्फ 60 पीस ही अपने पास अवेलेबल है 110 रुपये MRP वाले। इससे पहले जो अपन ने खरीदे थे वो अपन ने सेल कर दिए। तो इस तरीके से आप MRP वाइज एंट्री कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।